सूरह अल बकरा 2 की 185 आयत है, शहरु रमदान लदी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुमहु ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल किया गया कुरान, कुरान के माने पढ़ाई, लोगों की हिदायत के लिए, और जो वजात है और खास हिदायत है और फुरकान अच्छे और बुरे की फर्क करने वाला। बस तुम में से जो कोई इस महीने में गवाह हो बस वो जरूर रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर में हो बस वो दूसरों की दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई करो इस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र करो। अब जनाब ये जो आयत है ये आम तौर पे हर आदमी, मतलब जैसे रमजान का महीना चल रहा है, हमें मालूम है रमजान का महीना है और इसमें ही रोजे रखे जाते हैं, तो ये हम एक तो मैंने आपको बताया था क्या तकवा के लिए बताया था, अब यहां पर पता चल रहा है कि यहां और भी बातें सामने आ रही है कि हम रमजान के महीने में रोजे क्यों रख रहे हैं, रमजान के महीने में कि हम रोजे क्यों रख रहे हैं। तो यहां लिखा शाहरु रमजान लदी उन्ज़िला फील कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मकसद कुरान नाजिल का है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। वह बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, वाज़ेह निशानियां हिदायत से और फर्क करने वाला, फर्क कर देता है यानी तमीज कर देता है सच्चाई और हक, बातिल या झूठ, सच का फर्क कर देता है, हर चीज का फर्क कर रहा है। फमन शाहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, जो कोई इस महीने में गवाह वो रोजे रखे। तो रोजे रखने की बेसिक बुनियादी इबादियां इस आयत में हमें क्या पता चल रही है, एक तो हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो माशे में मेडिकल साइंस ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या तलाश कर रहे हैं कि जनाब रोजे से मेरा वजन कम हो जाएगा, कोई कह रहा है मेरे रोजे से ये हो जाएगा, कोई कह रहा है रोजे से ये हो जाता है, डॉक्टर ये बता रहे हैं, अल्लाह कुछ और बता रहा है कि रोजा क्यों रखना है आपने इस महीने में क्या हुआ। तो कुरान का नुजूल होता है इस महीने में, इसलिए रोजा रखने को कह रहा है, और वो कुरान के नुजूल से क्या हो रहा है, वो हिदायत है लोगों के लिए, उससे आपको हिदायत मिल रही है, हिदायत मिल रही है आपको, और वाज़े तमीज कर रहा है सच्चा हक और बातिल की। तो इस वजह से अल्लाह ताला आपसे कह रहा है रोजे रखो। अगर आप कुरान से हिदायत नहीं ले रहे और उस महीने में कुरान से वाजात नहीं ले रहे तो ये रोजे रखने का फायदा क्या हुआ भाई। मगर आप सिर्फ समझ रहे कि सिर्फ खाना पीना बचपन में बचपन से और हमारे जनरेशन टू जनरेशन चली जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा, खुद को भी नहीं पता कि हम रोजे क्यों रख रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना फिजिकली एक रोजे हैं और एक साइकोलॉजिकल होता है। कितना सोचे आप रमजान में आया होंगी आयतें अगर आप उसको गौर से तवज्जे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने वैसे ही खाने पे भी पाबंदी लगा दी, पीने पे भी पाबंदी लगा दी, तो आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है, तकवा आपका बढ़ रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म आपका बढ़ रहा है, तकवा हिफाजत करने का जो मैकेनिज्म है आपके सिस्टम अल्लाह ने बनाया वो आप बढ़ रहा, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कहता है तकवा बढ़ता है इससे आपका। तो आप कंसीव अल्लाह की बात समझ में, क्योंकि ज्यादा जिंदगी इतने ज्यादा गलत कामों में इन्वॉल्व है, ये वाहिद महीना है जिसमें आदमी कोशिश करता है बेहतर होने की, तो वो कुरान की हिदायत लेगा, उससे हिदायत लेना उससे, ये पर्पज है कुरान रोजे रखने का। सूरह बकरा 2 उसकी 183 आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगों जो ईमान लाए तुम पे रोजे लिख दिए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे लिखे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा का मतलब हिफाजत करो, अपनी नफ्सियात की हिफाजत करो अल्लाह की आयात के साथ जो अल्लाह ने कुरान रमजान महीने में रमजान के महीने में नाजिल किया है, उससे आपको हिदायत पहुंचेगी। अच्छा अब आप ये देखिए मजे की बात यह है
कि आयत ये लिखी हुई है, आप देखिए लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या लिखा हुआ है, ए वो लोगों जो ईमान लाए। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं ये किन लोगों से अल्लाह खिताब कर रहा है, ईमान वाले आज की अभी की बात हो रही है, यहां तो या का मतलब होता अभी के, या अय्युहल्लज़ीन आमनू का मतलब ए वो लोगों जो ईमान लाए, यानी जो आज जो बैठे सुन रहे हैं इनसे अल्लाह खिताब कर रहा है, ए वो लोगों जो ईमान लाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप हैं आजकल के ईमान वाले, बनने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे हम ईमान वाले नहीं है, लेकिन चलिए या अय्युहल्लज़ीन आमनू अल्लाह कह रहा है, ए वो लोग, कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे लिख दिए गए तो आप लोग रोजे रख रहे हैं, कमा कुतिब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर लिखे गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक्वा अख्तियार करो। तो मुझसे पहले कौन है, मेरे बाप दादा हुए, मेरे अब्बा हुए, उनके बाप दादा थे, यही हुआ ना, कोई गलत मुश्किल बात सही है। अब आप इसे 14 साल पहले रखी शायद को, 14 साल पहले जब कहा गया या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तो उस जमाने में 14 साल पहले लोगों से कह रहा है, उस जमाने के ईमान वालों से, कि तुम पे रोजे लिख दिए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजे लिखे थे। समझ आई आपको? तो अब आप सोचिए कि वो कहीं कब लिख तो दिए, कब रखे हम, तो कहता है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें नाजिल हुदल लिन्नास, वो बयिनात मिन अल-हुदा वल फुरकान, और वाज़ेह निशानी हिदायत की और फुरकान की, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, और जो कोई उस महीने में गवाह वो रोजे रख ले। तो पहले कुरान होगा तो रोजे रखे जाएंगे, रमजान जब भी होगा तो रोजे रखे जाएंगे। रमजान में क्या होता था, रोजे रखना है रिलेटेड विद कुरान, और अल्लाह ने कुरान में खुद बता दिया सूरह तौबा उसकी 34 में, एक साल में 4 महीने मोहतरम, उसमें से पहला मोहतरम महीना रमजान, और इस रमजान में कुरान नाजिल किया गया, और इस रमजान के महीने में रोजे रखने को कहा गया। तो यह हर जमाने में होना चाहिए, और हर जमाने में रोजे रखे जाते हैं, और हर जमाने में तरावी होंगी, हर जमाने में सलात कायम की जाएगी, हर जमाने में रोजे रखे जाएंगे, कुरान पढ़ा जाएगा। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहें।